हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम तैयार करते हैं सब्जी आलू गाजर मेथी मटर। ये हम सब्जी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 2 बड़े चम्मच और 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 बड़े साइज़ की प्याज, उसे भी मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है और इसे हम फ्राई करेंगे प्याज को, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर हम थोड़ी देर प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब्जी कट करके रख ली है, गाजर मटर और मेथी। मेथी भी मैंने अच्छे से चॉप कर ली है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है। मेथी भी हम इसमें डालेंगे। 3 सब्जियाँ हम इसमें लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। अब प्याज का कलर चेंज हो गया था तो मैंने सब्जी इसमें डाल दी है। अब इसमें हम आलू भी डालेंगे और अच्छे से अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे सब्जियों को थोड़ी देर के लिए। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें रफली चॉप कर ली हैं, वो भी इसमें डाल देंगे हम। सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम डाल देंगे। बस फिर हमें अच्छे से भूनना है सब्जी को। जितना अच्छा भुनेगी और खुले में बनेगी उतना ही टेस्टी ये सब्जी बनेगी। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर ले लेंगे हम 2 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग वो भी इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से और हम अच्छे से सब्जी को अब भूनेंगे और सब्जियों के गलाने तक हमें पकाना है। यहाँ पर हमने आलू भी इस टाइम डाल दिए हैं छोटे छोटे पीस करके, क्योंकि सब्जी हम खुले में बनाएंगे तो साथ साथ आलू भी गल जाएंगे। इतनी देर में ये सब्जी गलेगी तो। और अब हमने सब मिक्स करके मसाले अच्छे से ढक के सिम करके हम इस सब्जियों के गलने तक पका लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, बथुआ लिया था मैंने 1/2 किलो और उसको अच्छे से बॉयल कर लिया था 5-10 मिनट। और यहाँ पर ये देखिए, बॉयल करके मैंने पानी में से निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे सिंपल। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है और अच्छे से मैंने जो बथुआ ग्राइंड करा और उसको हमने आटे में डाल दिया। फिर उसमें हम डालेंगे नमक और लहसुन और मिर्च की चटनी, ये हम डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है रोटी का इसमें। तो बस ये इंग्रेडिएंट डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए एक सॉफ्ट आटा हम लगा लेंगे सिंपल। अब हम बनाते हैं बथुए का रायता। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स और सर्दियों में बथुआ गर्म होता है तो ये हेल्दी भी है। सर्दियों में हम इसे आराम से इसे खा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बथुए को पीस लिया था तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर 1/2 किलो दही में डाल दिया, अच्छे से काला नमक और 1/2 चम्मच चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे और अच्छे से आप मिक्स करेंगे। इसका कलर भी इतना अच्छा लगता है रायते का और टेस्टी तो बहुत ही बनता है और हेल्दी भी है। आप थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लें। और बस यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। देखिए इतना सही है ये रायता। मैंने यहाँ पर पानी डाल के इसको सेट कर लिया है। अब हम डालेंगे बूंदी। बिना बूंदी के तो रायते का मज़ा ही नहीं है, तो खूब सारी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी बूंदी। और हम तड़का बना लेते हैं रायते के लिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है और इसमें लूँगी बस 1/4 टीस्पून हींग। ये तो बहुत ज़रूरी, तो ज़रूर डालिएगा। और अच्छे से इसे गर्म करेंगे और बस हम रायते में ज़बरदस्त सा तड़का लगा देंगे जो रायते को बना देगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया है और मज़ेदार बथुए का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर सब्ज़ी भी अच्छे से गल चुकी हैं सारी, खूब अच्छे से भुन गई हैं सब्ज़ी, आलू भी गल गए हैं। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म बथुए की रोटी भी मैंने यहाँ पर बना ली है। सिंपल जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी भी मैं यहाँ सर्व कर लेती हूँ, मज़ेदार आलू गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पर हम डाल देंगे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा असली घी, बहुत ही टेस्ट इसका एनहेंस हो जाएगा। और यहाँ पे मज़ेदार डिनर रेडी है, आलू गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी, बथुए का रायता, टेस्टी
और ज़बरदस्त बथुए की रोटी, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। विंटर स्पेशल ये लंच डिनर की रेसिपी है। मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में ये रेसिपी, ये मेन्यू सबको कैसा लगा। तो चलिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।